हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्लैश विद संदीप। कल टीवी रॉयल का एक न्यू वीडियो रिलीज हुआ एंड उस वीडियो में क्लैश रॉयल के कम्युनिटी मैनेजर ड्रू ने क्लैन वॉर 2 के इम्प्रूवमेंट एंड फिक्सेस के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें बताएं। एंड आज के वीडियो में यहां पर मैं इसी टीवी रॉयल के वीडियो के बारे में बात करूँगा एंड वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पर यह भी बात करूँगा क्या इतना इम्प्रूवमेंट एंड फिक्सेस काफ़ी है क्लैन वॉर 2 के लिए या नहीं। तो भाई लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लैश रॉयल का सबसे बड़ा अपडेट यानी कि क्लैन वॉर 2, इसके रिलीज के बाद काफ़ी सारे प्लेयर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि क्लैन वॉर 2 में काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिन्हें फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। बट कल फाइनली एक न्यू टीवी रॉयल का एपिसोड रिलीज हुआ एंड इस वीडियो में क्लैश रॉयल के कम्युनिटी मैनेजर ड्रू ने इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बातें किया। प्लस इन्होंने यहां पर ये भी बताया कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आखिरकार ये सारे प्रॉब्लम्स थे क्या। पहला प्रॉब्लम था टाइम जोन इशू। बेसिकली इसमें जिन क्लैन का टाइम जोन थोड़ा आगे चलता है वो क्लैन के मेम्बर्स क्लैन वॉर 2 में पहले अटैक करके इससे पहले कंप्लीट कर सकते थे। बट यहाँ पर जिन क्लैन का टाइम जोन थोड़ा पीछे चलता है उनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलता है। इसलिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर ग्लोबल वॉर डे कूलडाउन ऐड किया गया है। इसमें बेसिकली क्लैन वॉर के स्टार्ट हो जाने के बाद हर क्लैन के पास 24 आवर रहेंगे एंड इस 24 आवर के अंदर सारे क्लैन मेंबर्स को अपना वॉर डेक यूज़ करना पड़ेगा। एंड अब सारे क्लैन का डेक रीसेट टाइम को सेम कर दिया गया है एंड टीवी रॉयल के एपिसोड में हमें यहाँ पर जो डेक रीसेट टाइम है वो 10 AM UTC देखने को मिला। एंड अगर हम लोग इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करेंगे देन ये होगा 3:30 PM। तो पहले यहाँ पर हर क्लैन का डेक रीसेट टाइम अलग अलग हुआ करता था क्योंकि सारे क्लैन के प्लेयर्स तो एक टाइम में अटैक नहीं करते हैं। बट अब यहाँ पर जो डेक रीसेट टाइम है इसको 3:30 PM कर दिया गया है, यानी कि आप कभी भी अटैक करो जो आपका डेक है वो करेक्ट 3:30 PM पे जाके रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट में हमें क्लैन वॉर 2 में पार्टिसिपेशन कैप भी देखने को मिल जाएगा। इसमें बेसिकली हर क्लैन के ओनली 50 मेंबर्स ही अटैक कर सकते हैं क्लैन वॉर 2 में, वो भी हर 24 आवर पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा कोई लिमिट नहीं हुआ करता था। पहले एक क्लैन में न्यू बंदे आते थे, अटैक करते थे एंड लीव कर जाते थे। इससे क्या होता था कि कुछ क्लैन को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब ओनली हर क्लैन के ओनली 50 प्लेयर्स ही अटैक कर सकती हैं, वो भी हर 24 आवर पे। नेक्स्ट अपडेट में हमें क्लैन वॉर 2 के मैच मेकिंग में चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो हमारा पहले क्लैन वॉर 2 का मैच मेकिंग था वो क्लैन ट्रॉफीज के ऊपर बेस्ड था, बट अब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा एंड जो हमारा न्यू क्लैन वॉर 2 का मैच मेकिंग है वो बेसिकली क्लैन परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि अगर कोई सुपर एक्टिव क्लैन है देन जो उसका मैच मेकिंग है वो किसी दूसरे सुपर एक्टिव क्लैन के अगेंस्ट होगा। एंड अगर यहाँ पर कोई कैजुअल क्लैन है देन जो उसका मैच मेकिंग है वो किसी दूसरे कैजुअल क्लैन के अगेंस्ट होगा। इससे क्या होगा कि जो मैच मेकिंग है ये पहले से और भी ज़्यादा बैलेंस्ड और अच्छा बन जाएगा। क्लैन वॉर 2 में कुछ ब्रॉन्ज लीग के क्लैन अपना रिवर रेस कम्प्लीट नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो उनको रिवॉर्ड है वो काफ़ी कम मिल रहा था। तो यहाँ पर इनका हेल्प करने के लिए नेक्स्ट अपडेट में जो रिवर रेस लेंथ है इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर फेम बूस्ट को भी ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फेम बूस्ट है ये बेसिकली क्लैन वॉर का लास्ट डे पे वर्क करेगा एंड यहाँ पर ये जो फेम है ये बेसिकली आपको डबल मिलेगा। इससे क्या होगा कि जितने भी लोअर लेवल के क्लैन हैं ये काफ़ी ईजिली लास्ट डे पे भी जो रिवर है से इसे कम्प्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट में हमें न्यू रोटेटिंग गेम मोड्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली अभी क्लैन वॉर 2 में ड्यूल्स एंड 1v1 गेम मोड अभी करंटली चल रहा है, बट यहाँ पर हमें नेक्स्ट अपडेट में और दो गेम मोड देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर ये जितने भी गेम मोड हैं ये वीकली चेंज होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट में दो न्यू लेजेंडरी लीग्स को ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए गेम के अंदर लेजेंडरी लीग 1 ही है, बट यहाँ पर हमें नेक्स्ट अपडेट में लेजेंडरी लीग 2 एंड लेजेंडरी लीग 3 देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर टोटल 3 डिफरेंट टाइप के डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे लेजेंडरी लीग में एंड यहाँ पर ये जो तीनों डिविजन्स हैं इनके जो रिवॉर्ड हैं ये तीनों अलग होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट में हमें न्यू एंड इम्प्रूव्ड क्लैन इन्फो एंड क्लैन चैट UI देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो क्लैन इन्फो है
ये देखने से पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रहा है। तो कमेंट करके बताइए आपको ये जो न्यू क्लैन इन्फो है ये कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट में हमें क्लैन वॉर 2 में एक और न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा। बेसिकली अब आपको यहाँ पर क्लैन वॉर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए एक क्लैन में। अगर आपके क्लैन में 10 मेंबर्स नहीं है देन आप क्लैन वॉर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट में हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बग फिक्सेस भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो कॉलोसियम है हमें इसका एक न्यू यूआई चेंजेस देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर इसको इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि जो कॉलोसियम है यहाँ पर इनको बैटल भी प्ले करना है। जो दूसरा बग है वो बेसिकली बोट बैटल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को बोट बैटल का गोल्ड नहीं मिल रहा था बट नेक्स्ट अपडेट के बाद इसको भी फिक्स कर दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर कुछ कार्ड जैसे कि बैटल हीलर एंड रॉयल घोस्ट, इनका जो हावर मैकेनिज्म है इनको भी कुछ चेंजेस किया गया है। प्लस यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रो जाइंट है इसका रिफ्लेक्ट डैमेज को भी नेक्स्ट अपडेट में बफ कर दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या इतना इंप्रूवमेंट काफ़ी है क्लैन वॉर 2 के लिए या नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है इसके बाद जो क्लैन वॉर 2 है ये पहले से और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। बट यहाँ पर हमें एक बात तो सोचने की ज़रूरत है कि ये जो क्लैन वॉर 2 है ये एक दिन में तो फुल इम्प्रूव नहीं हो सकता है, यहाँ पर डेवलपर को थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा एंड यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट रिलीज होंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये जो क्लैन वॉर 2 है ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट अपडेट है इसके बाद ये जो क्लैन वॉर 2 है ये पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यू मैच मेकिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया ये अब बेसिकली क्लैन के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होगा। इससे अब ये जो क्लैन वॉर 2 का मैच मेकिंग है एंड ये जो पूरा क्लैन वॉर 2 है ये पहले से और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।